अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ का वो दूध पिए तो सुनने में ये कितना अजीब सा लगता है ना। वो ब्रेस्ट मिल्क जिसको नेचर ने इसलिए बनाया है कि वो नन्ही सी जान जो दुनिया में आई है उसको नरिश कर सके, उसको बड़ा कर सके और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सके। बट बहुत सारे पतिदेव ऐसे होते हैं जो इतने खास फैंटेसी रखते हैं कि वो अपने बच्चे के साथ साथ अपनी वाइफ का ब्रेस्ट मिल्क सक करते हैं। ऐसे काम अक्सर वो पुरुष करते हैं जिन्हें खास तौर पे अपनी पत्नी का या कोई भी औरत की जो ब्रेस्ट है वो उनको बहुत पसंद होती है। बहुत ज़्यादा फैंटेसी रखते हैं वो कोई भी फीमेल के ब्रेस्ट को लेके। किसी को उनके निपल्स बहुत पसंद होते हैं, किन को उनका दूसरा हिस्सा, या किसी को उनका पूरा का पूरा ब्रेस्ट। और अक्सर जब भी कोई औरत माँ बनती है तो शुरू शुरू में जब ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता है, बहुत फास्ट होता है ना, तो शुरू के जो 2-3 महीने होते हैं उसमें ब्रेस्ट जो होती है ना वो फुलर दिखती है, यानी कि एकदम सुडेल गोल और दिखने में बहुत ज़्यादा आकर्षित लगता है। सबको ना भी हो पर जिन मर्दों को उनकी पत्नी के ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन है या फिर बहुत ज़्यादा वो इसकी फैंटेसी रखते हैं उनके लिए ये बहुत ही आकर्षित साबित होता है। और इसीलिए जितना वो ब्रेस्ट उस टाइम पे सुडेल होता जाता है, दूध भरती जाती है ना, मर्द के जो फैंटेसी होते हैं वो भी धीरे धीरे डेवलप भी होते हैं। ये सबके लिए ना भी हो बट मैक्सिमम केस पे जिन मर्दों को अपनी ही वाइफ की ब्रेस्ट मिल्क को पीने की आदत है या वो ऐसी फैंटेसी रखते हैं उनमें यही ज़्यादातर पाई जाती है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि कोई भी मर्द अपनी वाइफ का ब्रेस्ट मिल्क सक करे। बट सवाल ये आता है कि क्या इससे कोई भी नुकसान है, मतलब कि क्या हस्बैंड को इससे कोई नुकसान होगा या वाइफ को इससे कोई नुकसान होगी या फिर उनके बच्चे को क्या इससे कोई नुकसान होगा, वही हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लें। सबसे पहली बात कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो अमृत होता है बच्चे के लिए। तो डेफिनेटली ब्रेस्ट मिल्क में जहर तो होता नहीं है कि वो उन पतिदेव के लिए जहर बन जाए या कोई भी उनको नुकसान दे, बल्कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो न्यूट्रिशन से भरा होता है। बट ये एक हस्बैंड के पेट को भरने के लिए या उनको न्यूट्रिशन देने के लिए कोई काम नहीं आता, क्योंकि सफिशिएंट नहीं होता एक एडल्ट मेल के लिए। तो पतिदेव को तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अमृत पी रहे हैं, उनको इससे कोई फायदा भी नहीं पहुंचता क्योंकि ना इससे उनका पेट भरता है ना तो उनके बॉडी में उस लेवल पे जिनकी उनकी रिक्वायरमेंट है उनके बॉडी में न्यूट्रिशन जाती है। बट ये आइडियल होता है उस बच्चे के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई मर्द अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए अपनी वाइफ के मिल्क को पी रहे हैं तो इतना सावधानी उन्हें रखना चाहिए कि वो इस लेवल पे शक ना कर ले कि उनके बच्चे के लिए सफिशिएंट मिल्क बची ना रहे, यानी कि बॉडी भी एक लिमिट तक एक टाइम पे प्रोडक्शन देती है। इस वक्त फीमेल की बॉडी थोड़ी सी थकी होती है, उस टाइम पे एक छोटे बच्चे के लिए जितना रिक्वायरमेंट होता है बॉडी उतना ही ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन करती है, फिर धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा होने लगता है, प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और एक टाइम पे फिर घटना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका पतिदेव जो है या फिर आप अपनी वाइफ का जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको सक करते हो तो इतनी सावधानी आपको रखनी चाहिए कि वो एक लिमिट तक रहे, यानी कि आपके बच्चे को कभी भी भूखी ना बैठी रहनी पड़े, जब भी उनके बच्चे को रिक्वायरमेंट हो बच्चा पेट भर के दूध पी सके। अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, अगर आप समझ रहे हो कि जैसा पहले आपका इरेक्शन होता था अब ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट में ढीलेपन की वजह से संबंध नहीं बना पाते हो, जोश और ताकत तो बराबर है पर कहीं ना कहीं ढीलेपन की वजह से या इरेक्शन ना होने की वजह से आप संबंध से दूर रहते हो, आप अपनी वाइफ को प्रॉपरली अपने फीमेल पार्टनर को प्रॉपरली संतुष्ट नहीं कर पाते हो, तो डेफिनेटली आपको एक डिसऑर्डर है। ईडी की प्रॉब्लम कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है जिसको क्योर किया जा सकता है। और ये जो डिसऑर्डर है वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों के वजह से, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से या बॉडी में दूसरी तरीके के प्रॉब्लम की वजह से क्रिएट होता है। और इस केस में आप मेंश्योर के अपराइट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं एज लाइक इसमें अकरकरा, लक्ष्मणा, जिनसेंग, जायफल, अश्वगंधा, कंच बीज, तुलसी बीज, सफ़ेद मुसली, उतंगन बीज, लौंग, विधार, जावित्री, मकरध्वज, अब्राकम भसम एंड शुद्ध शिलाजीत है जो आपके बॉडी में नेचुरल तरीके से ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में जो इरेक्शन प्रॉब्लम है उसमें धीरे धीरे सुधार आता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है। आपके प्राइवेट में जो नसें हैं जो डैमेज होती है या फिर जो वेन्स है जो प्रॉपर तरीके से खुलते नहीं है, ये उसमें काफ़ी मदद करता है और आपके इरेक्शन प्रॉब्लम को धीरे धीरे इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो स्पेशली अगर आप अपने बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाते हुए अपने स्ट्रेस डिप्रेशन को कम करना चाहते हो, अपने सेक्शुअल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने इरेक्शन प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करना चाहते हो,
तो आप इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि एक जवान मर्द की जो सकिंग पावर होती है ना, डेफिनेटली एक बच्चे के सकिंग पावर से बहुत ही ज़्यादा होती है, 10 गुना 20 गुना ज़्यादा। तो एक बच्चा जितने तेज़ी से एक ब्रेस्ट मिल्क को सक करता है, उससे 20 गुना ज़्यादा एक जवान मर्द उस ब्रेस्ट मिल्क को सक कर लेगा। तो इसीलिए जब एक जवान मर्द उस ब्रेस्ट मिल्क को सक करता है तो बहुत तेज़ी से दूध निकलना शुरू होता है और फिर ख़त्म भी। तो फैंटेसी को पूरा करने के लिए अगर आप एक्सेसिव दूध सक कर लेते हो तो इससे बच्चे के लिए वो इनसफिशियंट हो सकता है, तो इतना ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरी बात, बहुत बार आफ्टर डिलीवरी जो मदर होते हैं, जो न्यू मॉम होती है, उनके जो निपल होते हैं ना, वो क्रैक हो जाती है। बहुत बार शुरू शुरू में जब बच्चा उसको सक करता है तो ऊपर की चमड़ी वो निकलना शुरू होती है, जिसकी वजह से दर्द उन्हें महसूस हो सकता है। अब बच्चे के तो दांत नहीं होते, तो जाहिर सी बात जब बच्चा उसको सक करता है ना, तो हाँ सक करने की वजह से उनको दर्द हो सकता है, बट उनके दांत नहीं चुभते। बट वही निपल अगर उनके हस्बैंड सक करें तो हो सकता है कि दांत उनको चुभे और इससे उनके माँ को दर्द हो, यानी कि उनकी वाइफ को दर्द हो। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इतना ब्रेस्ट मिल्क मत पी जाओ कि आपके बच्चे के लिए वो इनसफिशियंट हो। और अपने वाइफ के हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर उनके निपल में जो स्किन है वो अगर रिमूव हो रही है, या फिर क्रैक निपल की उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कहीं भी ब्रेस्ट में दर्द है जो कि एक्सेसिव प्रोडक्शन से हो सकती है, तो उस टाइम पे अगर आप ब्रेस्ट मिल्क को सक कर लेते हो ना तो ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ एक न्यू मॉम के केस में, तो बहुत बार ओवर प्रोडक्शन से ना गांठें आ जाती है, फिर हमें पंप करके निकालना पड़ता है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ जब मैं मेरी डिलीवरी हुई थी। तो उस टाइम पे अगर आप ब्रेस्ट मिल्क सक कर लेते हो तो वो फेंकना भी नहीं पड़ता और मदर के बॉडी के लिए आइडियल होता है, तब वो ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे प्रोडक्शन की भी एक लिमिट बन जाती है और एक बैलेंस भी बन जाता है। बट हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, ओवर सक नहीं करनी है, बच्चे के लिए इनसफिशियंट प्रोडक्शन नहीं बनाना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अदरवाइज़ अगर आप ध्यान से चलते हो, माँ को नुकसान होगा और ना आपको नुकसान होगा।